सीए एक बहुत इनोक्यूस डिमांड करती है कि आप जम्मू रीजन के हित के लिए, देश के हित के लिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें ताकि डेमोग्राफिक इन्वेजन का एंगल जो है वो भी सामने आ पाए, महबूबा मुफ्ती का रोल जो है वो भी सामने आ पाए, उस समय जो लॉयर और जो सोशल वर्कर्स जो एक्टिविस्ट की शेप में फॉरेन फंडिंग लेके यहाँ पे कूद पड़े थे और जम्मू के इंटरेस्ट्स को ब्लीड किया, हैम्पर किया, हिट किया, उनका रोल भी सामने आए। इस क्रिमिनल एक्ट में जो पॉलिटिकल एंगल इंट्रोड्यूस करके पॉलिटिकल कंस्पिरेसी को हैच किया गया था वो भी अगर सामने आए, जो देश हित की बात होगी, जम्मू हित की बात होगी, तो क्यों ना गवर्नर साहब इस सीबीआई इंक्वायरी को तत्काल प्रभाव से ऑर्डर करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जम्मू वासियों के बिहाफ पे, क्योंकि शुरू से 10 जनवरी से 17 जनवरी के बाद से जब डेड बॉडी अनफॉर्चुनेटली उस बच्ची की मिली थी, उसके 2-3 दिन के बाद से जब से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी हम उस मूवमेंट का हिस्सा थे और उस मूवमेंट को किसी ना किसी लेवल पे हमने लीड किया था, सड़कों पे भी, समाज के लेवल पे भी, मास मूवमेंट क्रिएट करने के लेवल पे भी हिंदू एकता मंच के साथ, उनके लीडर्स के साथ, और कोर्ट्स में भी, और सुप्रीम कोर्ट तक भी, और हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में भी हमारी पिटीशन है और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पिटीशन अभी थी। तो उनसे बात करने के बाद, उनकी पूरी ऑथराइजेशन लेने के बाद हम आपके समक्ष हैं और जम्मू वासियों के बिहाफ पे गवर्नर साहब से ये निवेदन करते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से सीबीआई इंक्वायरी रसाना केस में ऑर्डर करिए ताकि ये जो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थी वो सामने आ सके। इसी के साथ मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंत करता हूँ और आपके लिए कि अपने राज्यों का, तो मतलब क्या बीजेपी कोई फायदा देख रही है कि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर रही है, क्या लगता है? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर फायदा उसे देखना है तो वो अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की भी बात करे तो ऐसे फैसले लेगी जो उसकी कंस्टिट्यूएंसी के हक में, यानी कि जो लोग उन्हें वोट देते हैं उनके हक में। तो ये बहुत एक कंफ्यूजिंग सी स्थिति है कि ऐसी इतनी बड़ी है, इसमें शायद इंटरनेशनल एजेंसीज और इंटरनेशनल ताकतें इसमें शामिल हैं और महबूबा मुफ्ती की कुछ ना कुछ बहुत ही सिनिस्टर इसमें शमूरियात जो है वो शामिल है, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल लेवल पे ये समझौता हुआ है कि इस कंस्पिरेसी को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि जब ये कंस्पिरेसी बाहर आए तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर को लेके पॉलिसी है, जहाँ पे वो कश्मीर को ही एम्पावर करने की बात करते हैं, जहाँ पे वो कश्मीर की मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट को और फर्दर कंसोलिडेट करने की बात करते हैं, कहीं उसे धक्का ना लगे। तो मुझे लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी बाहर एक्सपोज हो सके। क्या आपको भी ये मतलब लगता है कि जिस तरह से कश्मीर बेस्ड ही पूरे देश में अगर बात की जाए तो जम्मू को हर बार इग्नोर किया जाता है और कश्मीर बेस्ड ही जो पॉलिटिक्स है वो की जाती है, इसमें भी उसी तरह का आपका भी मतलब कुछ कहने का मतलब है, उसी तरह कश्मीर बेस्ड ही सारा कुछ किया? देखिए, 1950 से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होने के समय से ही इस तरीके की पॉलिसी केंद्र सरकार ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने चलाई, जिसमें जम्मू पॉलिसी स्ट्रक्चर में जम्मू की अनफॉर्चुनेटली कोई जगह नहीं थी और कश्मीर को ही एम्पावर करने की बात थी। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 75 की 75 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी गई, बाकी लोगों को पर्चे तक नहीं भरने दिए डेमोक्रेसी की हत्या करके। उसी प्रकार फिर आपने आर्टिकल 35A पे भी स्टैंड देखा, उसी प्रकार जो हमारा माइनॉरिटीज़ वाला केस जिसे 12 मार्च 2018 को हमने आर्ग्यू करके जीता, उसको भी अभी जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा कश्मीर के इंटरेस्ट को देखते हुए। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए एकजुट जम्मू का गठन भी हुआ है और उसी की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई की जांच भी हम करवाना चाहते थे, लेकिन अब केवल और केवल गेम जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नर के हाथ में है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा ये इरादा भी यही था कि गवर्नर साहब को कम से कम अवगत करवाया जाए, डिटेल प्रेस रिलीज आपको मिल चुकी है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है इसमें सीबीआई इंक्वायरी करवाना नेशनल इंटरेस्ट में, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ नेशनल इंटरेस्ट में फैसला नहीं लेंगी तो मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों को खड़ा होकर कुछ सोचना पड़ेगा कि इस सिचुएशन को, इस विशियस सिचुएशन को, इस डैमेजिंग सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जा सके। तो एक बार क्या फिर बड़ी एजिटेशन के लिए जम्मू वालों को तैयार होना पड़ेगा, इस तरीके से अगर गवर्नमेंट के गवर्नर साहब अगर नहीं मान रहे हैं, क्या फिर क्या आप किसी एजिटेशन को आगे आप लेके चलेंगे आगे? देखिए, ये एक सर्वाइवल की बैटल है
और रसाना का केस उस सर्वाइवल की बैटल में जो हमले हमारे पे हो रहे हैं वो केवल एक बहुत बड़ा हमला था, इसके अलावा और बहुत बड़े हमले हो रहे हैं, और उन्हीं हमलों से लड़ने के लिए, और ख़ासकर रसाना, 35A, माइनॉरिटीज़ का इशू, और उसके अलावा जो कश्मीरी फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक हेजमनी यहाँ पे परपेचुएट करने की प्रक्रिया चल रही है, उससे लड़ने के लिए एक जन आंदोलन जन्म ले चुका है जिसे एकजुट जम्मू के नाम से आप जानते भी हैं, और मास मोबिलाइजेशन करने के लिए हमारे प्रयास बढ़ रहे हैं, और आप आने वाले चंद महीनों में, कुछ समय में देखेंगे कि किस तरीके से एक मूवमेंट पढ़ के सामने आती है जो इन एंटी नेशनल फोर्सेज को डिफीट करेगी। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रसाना केस में जो सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, उसके बाद जो जजमेंट आई, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट जो हुई हैं उसको बताने के लिए की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को ठुकरा दिया है, किसी भी कोर्ट के माध्यम से सीबीआई की जांच की जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जा सकती। तो हम ये निवेदन करने आए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवर्नर साहब को कि आपके पास इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते, पॉलिटिकल हेड होने के नाते, एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाते, लेजिस्लेचर का हेड होने के नाते, वो तमाम शक्तियां हैं जिनको इस्तेमाल करके आप आज की डेट में भी रसाना केस में सीबीआई इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसी डिमांड के साथ कि अब सरकार यानी कि गवर्नर साहब एक सीबीआई की रिकमेंडेशन केंद्रीय सरकार को भेजें और सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो, उसी डिमांड के साथ हम आपके सामने आए हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसमें ये हमने स्पष्ट तौर से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आना गवर्नमेंट के सामने किसी भी तरीके का लीगल इंपेडिमेंट नहीं है सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करने में।